नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका हॉस्टल दोस्त राजकुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टीवी पर। तो आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं 9वीं शताब्दी का शिव मंदिर जो राजस्थान के जोधपुर जिले के बिलाड़ा तहसील से 20 किलोमीटर की दूरी पर लांबा गाँव में स्थित है। यह मंदिर लाल देवरा के नाम से जाना जाता है। मंदिर निर्माण में काम लिए गए पत्थरों पर बारी खुदाई के द्वारा मूर्तियों को उकेरा गया है। तो आइए देखते हैं मंदिर निर्माण किस तरह किया गया है और किस तरह की कारीगरी की गई है। इसमें सारे पत्रों पर देखा गया है कि कहीं भी सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया है और नीचे का पोर्शन में पूरा मंदिर हमने गिना है कि 14 खंभों पे पूरा मतलब कि अटका हुआ है। खंभे पे अलग कारीगरी की गई है और देखा गया कि एक भी खंभे पे जो कि सेम कारीगरी नहीं है। तो हर एक खंभे पे जो कि किसी खंभे पे मूर्तियाँ और किसी पे कोई कलाकृति ऐसे हर तरह किसी गोल और हर कमरे पे अलग अलग ही तरह की कारीगरी की गई है। आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि ऊपर की साइज में थोड़ा सा टूटा हुआ है। मंदिर के मुख्य द्वार में घुसते ही ऊपर की साइज में जो दिखाया गया है, जैसे उस टाइम वो 9वीं शताब्दी में मंदिर कैसे बना था, जैसे पत्थर ले जाते हुए। और ये ऊपर जो नारी कलाकृति दी गई है उसमें मतलब स्वागत करते की मूर्तियां उकेरी गई है और इस साइज में भी वो नारी कलाकृति है जो दूध बिलोते हैं उसकी कलाकृति की गई है। और इसमें कुछ देवियों की तस्वीरें भी है। आगे की साइड में देखते हैं और इसमें भी गणेश जी की है और सरस्वती की, मतलब कुल मिला के यहाँ पे सारी देवियों की मूर्तियाँ गिरी गई है इसमें। पूरे मंदिर में ऊपर की साइड में ही है ये सारी देवी की मूर्तियां। मैं आपको आकृति दिखाई जा रही है वो सेम ही मंदिर की आकृति है। तो अंदर की साइड में देखते हैं, अंदर की साइड में भी जो ऊपर की छत है उसमें भी एक गोल गोल करके आकृति बनाई गई है। इसमें भी बहुत ही महीन तरह से कारीगरी की गई है। पीछे की साइड में और साइड का क्या दृश्य है, यहाँ भी मूर्तियाँ उकेरी गई है, मतलब कि चारों तरफ मूर्तियाँ उकेरी गई है। ये मूर्ति भी शंकर भगवान की लग रही है, शिव जी की लग रही है, ये भी शिव जी की लग रही है, मतलब कि लगभग मूर्तियाँ तो शिव जी की है और बाकी गणेश जी की है और कुछ देवियों की भी है। चारों तरफ हर एक पत्थर पर बहुत ही बारीकी से मूर्तियाँ उकेरी गई है जिसमें देखा गया है कि हर एक मूर्ति अलग तरह का संकेत देती है, जो हर एक ही मूर्ति मतलब एक दूसरे से मिलती जुलती बिल्कुल भी नहीं है। और पीछे का पोर्शन है तो बहुत अलग से टूटा हुआ है। ऊपर की साइड में किस तरह से कारीगरी की गई है, मंदिर का जो ऊपर का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन है, अंदर भी देखा गया है कि पीछे जो पत्थर टूटे गए हैं पूरे अटके हुए हैं पत्थर है। मंदिर के ऊपर की साइज में प्रतिमाएं है, गणेश जी की है, शिव जी की है और पार्वती जी की है। पूरे मंदिर में हमने देखा है कि कहीं भी शिव जी और पार्वती गणेश जी की मूर्ति नहीं है, ये ऊपर की साइज में ये मूर्ति दिखाई गई है। और बाकी तो पूरे मंदिर में जो आकृति है सारी अलग अलग ही है। देखते हैं अंदर की साइज में ऊपर का जो पोर्शन है किस तरह से है और किस स्थिति में है। पीछे जो टूटा हुआ था मंदिर उसमें बहुत सारे अलमारियों की तरह गड्ढे हो रखे हैं और इसमें एक पत्थर ये है जो आपको कैमरे में दिखाई दिया जा रहा है, एक ही पत्थर है छोटा सा और उस पर ऊपर की बहुत सारे पत्थर है जो उस पर अटके हुए हैं। तो आपको बताते हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ से जिस तरह की कलाकृति की गई है, ये नीचे से लगा के ऊपर तक का ये पोर्शन है। करते हैं गांव लांबा के पूर्व सरपंच भूटाराम जी सरपंच साहब से, जो इनका घर मंदिर के पास में ही है। तो सरपंच साहब, आप कितने टाइम से देख रहे हैं मंदिर को? मैं तो वो देख रहा हूँ, देख रहा हूँ 20 साल से मैं देख रहा हूँ इसको, ऐसा ही मंदिर है वो।
तो जो पीछे का ये पोर्शन हटा हुआ है, ये मतलब जो आप देख रहे हैं उससे पहले का है या थोड़े टाइम पे? मैं देख रहा हूँ स्पेशल पहले का ही हुआ, तो ये तो देखा गया है कि बोर्ड भी लगा हुआ है और हमने पेपर में भी देखा है कि 10 जून 2008 को राजस्थान सरकार ने इस मंदिर को संरक्षित घोषित भी किया है और उसमें पढ़ा था कि पूर्व सरपंच भुटाराम जी के द्वारा भी लिखित में दिया गया था कि भाई पीछे से मंदिर टूटा हुआ है वो है। तो आपको, आपका घर पास में ही है तो उसमें कुछ डर तो नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, मेरे को डर लगता है, वो साइड में वो बच्चा और कोई गरीब आदमी वो बैठता नहीं, वो बहुत डर है उसमें। और मैंने भी वो लिख के दिया था, लेकिन वो काम नहीं हुआ। अच्छा, सरकार ने काम पे नहीं करवाई, मालिक के दिया था। अच्छा ठीक है ना।